वक्फ बोर्ड बिल पर फिर बौखलाए संजय सिंह। मोदी वक्फ की जमीन अडानी को देना चाहते हैं संजय सिंह। संजय सिंह की तुलना जनता ने मनीष शंकर अय्यर से की। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठकों का बहिष्कार करेगा विपक्ष। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और एक बार फिर से जेपीसी की बैठक और साथ ही साथ वक्फ बिल को लेकर बौखलाए नजर आए। आपको पता है कि किस तरीके से वक्फ बिल को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। कहा जा रहा है वो वक्त दूर नहीं जब वक्फ बिल को जो है पूरी तरीके से पेश करके और जो चीजें उसमें अगर आप कहेंगे चेंजेस जो है वो किए जाएंगे, इसे लेकर अभी से ही तैयारी की जा रही है। कई राउंड की बैठकें की जा रही है और इन बैठकों में जो चीजें बदलनी है, जिन चीजों को चेंज किया गया है, उन पर खुलकर चर्चा हो रही है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है जहां पर वो इसे लेकर ये कहते नजर आए कि मोदी हर धार्मिक संस्थान की जो जगह है वो ले लेंगे, जमीन ले लेंगे और उसे अडानी को दे देंगे और इसकी शुरुआत जो है उनका ऐसा कहना है कि इसकी शुरुआत वक्फ की जमीन से जो है होगी। क्या कह रही है संजय सिंह, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। जेपीसी कोई तानाशाही का मंच नहीं है, जेपीसी चर्चा का मंच है। जेपीसी एक ऐसी संस्था है जहां पर जिन लोगों की पीड़ा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी बातें सुनी जाए। अब वहां मोदी का गुणगान करने वाले लोगों को आप बुलाएंगे तो ऐसी बैठकों में, ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे टूर में हम लोग क्यों जाएंगे भाई? वो मोदी का गुणगान करने की संस्था थोड़ी है जेपीसी। और हम लोगों को मनसा पता चल गई है मोदी सरकार की। ये देश के अंदर अभी तो वक्फ की जमीनें कब्जा करेंगे, उसके बाद मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे, फिर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे, धार्मिक स्थानों की जमीनें कब्जा करके अडानी को देना चाहते नरेंद्र मोदी। ये इनका मकसद है। 11,000 एकड़ जमीन इन्होंने सेना के उठा के दे दिया अडानी को। यहां अभी 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में। तो आप हमारे मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अडानी को देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम वहां जो जेपीसी में गुणगान करने के लिए लोग आते हैं उनकी बातों को सुने, तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया कि जिनसे जुड़ा हुआ मसला है उनको बुलाइए। और मैंने सवाल पूछा था कि आप गारंटी लीजिए कि आप धार्मिक संस्थानों की जमीनें अडानी को नहीं देंगे। इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें लिख के दो पहले कि तुम धार्मिक संस्थानों की जमीनें अडानी को नहीं दोगे तो मंदिर की जमीन उठा के अडानी को दे दोगे, हम लोग बैठे रहेंगे चुपचाप। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना कि किस तरीके से जो है पत्रकार के सवाल का वो जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी धार्मिक संस्थानों की जमीन ये लेकर एक वक्त पे अडानी को दे देंगे। यही नहीं, एक और दूसरे चैनल से भी बात करते हुए उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया जिस पर वो ये कहते नजर आए कि आप जबरदस्ती जेपीसी में वो कहलवाना चाहते हैं जो मोदी चाहता है, जो अडानी चाहता है, और ये लोग क्या चाहते हैं? मोडानी सरकार चल रही है इस देश में, तो मोडानी सरकार चाहती है कि धार्मिक संस्थानों की जमीनों पर कब्जा करो और अडानी को सौंप दो। अभी वक्फ की जमीन पर कब्जा करके अडानी को देंगे, फिर अगला नंबर गुरुद्वारे की जमीन को कब्जा करके देंगे, फिर चर्च और मंदिर की जमीनों को कब्जा करके देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11,000 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर अडानी को दे दी गई, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी की दलाली में लगी हुई है। उसके हर गलत फैसले पर मुहर लगाने के लिए हम नहीं बैठे हैं जेपीसी में। जितने भी मोदी और अडानी के गुणगान करने वाले लोग हैं उनको जेपीसी में बुलाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उनका ये कहना है कि जो जेपीसी की बैठक हो रही है इसमें ज्यादातर उन लोगों को ही बुलाया जा रहा है जो मोदी और अडानी को लेकर जो है उनका गुणगान कर रही है। कहीं ना कहीं संजय सिंह के बयान से एक तरह उनकी बौखलाहट जो है वो निकल कर सामने आ रही है क्योंकि जेपीसी की बैठक में विपक्ष का जो रवैया रहा है ये किसी से नहीं छिपा है। चाहे कल्याण बनर्जी का कांच तोड़ देना, कांच की बोतल जो है वो जेपीसी की बैठक के अध्यक्ष की तरफ फेंकना, या आप कह सकते हैं संजय सिंह का दुर्व्यवहार करना, चीखना चिल्लाना और
पूरी तरीके से जो डिस्कशन है उसे डिसरप्ट करने का काम जो है विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार जो है किया जाता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि वक्फ जो बिल आने वाला है, यूं कहिए कि वक्फ बिल में जो संशोधन होने वाले हैं, इसे लेकर चर्चा करने का मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन वक्फ में संशोधन जरूर किया जाएगा क्योंकि समय की यही मांग है। और इस मामले को लेकर कई सारे, अगर आप कहेंगे मौलवी, कई सारे मौलाना भी इसे लेकर सहमत है कि समय की मांग के अनुसार जो वक्फ बिल है उसमें संशोधन होना चाहिए। पहले भी संशोधन किए गए थे और आने वाले समय में भी समय के अनुसार संशोधन किए जाएंगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जेपीसी की बैठक है और दूसरी तरफ जो है इसे लेकर यानी वक्फ बिल को लेकर जो चर्चा है वो चल रही है। और इसी बीच अब कल्याण बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता, उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि विपक्षी दल के सभी नेता, अप्रोक्स सभी नेता जो है वो अब जेपीसी की बैठकों का बहिष्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो जेपीसी की बैठकें होल्ड कर रही हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो हमें अपना पॉइंट रखने का मौका नहीं दे सकते हैं, वो जो है हमें कुछ बोलने का मौका नहीं देते, हमारी बातों को पूरी तरीके से अननोटिस किया जाता है, इस तरीके के आरोप जो है वो कल्याण बैनर्जी लगा रहे हैं। वही कल्याण बैनर्जी जिन्होंने हाल ही फिलहाल में जेपीसी की बैठक में इतना अग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने जगदम्बिका पाल, जो कि उस वक्त जेपीसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके ऊपर कांच की बोतल तक फेंक दी थी और उसके बाद उनके खुद के हाथ में चोट लग गई थी और उन्हें बकायदा स्टिचेस भी आए थे। और वही कल्याण बैनर्जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस मामले को लेकर बयान दे रही हैं और ये कह रही हैं कि हम जितने भी विपक्ष के नेता, बकायदा उन्होंने नाम ले लेकर बताया है कि कौन कौन से विपक्ष के नेता हैं जो अब से जेपीसी की बैठक का बहिष्कार करेंगे। जरा एक बार आप खुद सुनिए कल्याण बैनर्जी का क्या कुछ कहना है। আমরা জেপিসি যারা অপোজিশন মেম্বাররা আছে, জেপিসি অপোজিশনের মেম্বারদের মধ্যে কংগ্রেসের আছে গৌরব গগৈ আছে, সৈয়দ নাসির হোসেন আছে, ইমরান মাসুদ আছে, মোহাম্মদ জাবেদ আছে, তৃণমূলের আমি আছি, নাদিম আছে, ডিএমকে এর রাজা আছে, আবদুল্লাহ আছে, আপের সঞ্জয় সিং আছে, সমাজবাদী পার্টির মহিবুল্লাহ আছে, শিবসেনার উদ্ভবের অরবিন্দ সাওয়ন্ত আছে, মিমের আসাউদ্দিন ওয়েসি আছে, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিজয় স্যার রেড্ডি আছে, এনসিপি পাওয়ার সুরেশ গোপীনাথ আছে। আমরা এই অপোজিশনের যারা আছি তারা গত 3 নভেম্বর আমরা মাননীয় স্পিকার মহাশয়কে পার্লামেন্টের লোকসভার আমরা একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে আমরা জানিয়েছিলাম যে প্রথম থেকেই আমাদের যিনি চেয়ারম্যান আছেন জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির, তিনি ভীষণ স্বেচ্ছাচারিতা আর্বিট্রেরি এবং তিনি সমস্ত কাজ করছেন এবং বিরোধীদেরকে বুলডোজ করা হচ্ছে, বিরোধীদের কথা শোনা হচ্ছে না এবং তিনি যা মনে করছেন তাই করছেন, যেদিনকে যা ইচ্ছা তাই করছে, কারোর সঙ্গে কোনো কনসালটেশনের ব্যাপার নেই, কবে মিটিং হবে, ডেট ফিক্স হবে, কোথায় ট্যুর হলে কিভাবে হবে, তার জায়গা কি হবে, ডেট ফিক্স হবে, এসব কোনো আলোচনার ব্যাপার নেই এবং যথেষ্ট অপমানজনক কথাবার্তা বিরোধীদের ওই জেপিসি মিটিংয়ে বসে শুনতে হচ্ছে। চেয়ারম্যান সেখানে চুপচাপ রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে চেয়ারম্যানের ট্যাসিভ সাপোর্টে এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে এবং সেই জন্য আমরা বলেছিলাম যে যে পদ্ধতি নিয়ে চেয়ারম্যান স্ট্যান্ডিং জেপিসি তিনি প্রসিড করছেন সেটা কনস্টিটিউশনাল মোরালিটিকে ভায়োলেট করে, সাংবিধানিক যে প্রভিশন আছে সেই সাংবিধানিক প্রভিশনগুলোকে ভায়োলেট করে এবং ওয়েল এস্টাবলিশড হেলদি প্র্যাকটিস, পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস যেটা আছে সেটাকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং এই জন্য আমরা মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম এবং আমরা দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমরা যখন দেখা করি সেটা হচ্ছে 5 তারিখে, ফিফথে আমাদেরকে টাইম দেওয়া হয় 1:30 সময়, আমরা ফিফথে দেখা করি। তখন অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমরা বলেছিলাম খুব স্পেসিফিক্যালি
যে এক নম্বর হচ্ছে সপ্তাহে দুটো দিন ধরে জেপিসি সকাল 11টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে গেছে। আমরা সব লোকসভার সদস্য, আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের অনেক দায় দায়িত্ব আছে, এছাড়া আমরা অনেকেই অনেক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে ইনভলভ, ইম্পর্টেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে ইনভলভ, আমরা কোথাও কোনো কাজ করতে পারছি না। আর এই সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে 11টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত মিটিং, একটার পর একটা লোককে ডেকে যাচ্ছে, অথচ আমাদের বলার সুযোগ দিচ্ছে না। ওই সময়ের মধ্যে প্রচুর লোককে ডাকছে, সেটা আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर कल्याण बैनर्जी ने साफ तौर पर विपक्ष के नेताओं का नाम लिया, जिसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल था, जिसमें अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का नाम शामिल था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता यानी पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन के कई नेता थे जिनका नाम उन्होंने लिया, जिक्र किया और ये कहा कि अब ये जेपीसी की बैठकों का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आपको जो है संजय सिंह ने जिस तरीके की बयानबाजी की है इस मामले को लेकर अब लगातार जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर उन्हें जो है मणिशंकर अय्यर से उनका कंपैरिजन भी किया जा रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।